हेलो एवरीवन, दिस इज द यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 9 एक्सरसाइज पार्ट. ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ अवर बुक. ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट है, वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m1 l1 एंड t-2. तो वेलोसिटी के लिए इट कैन नॉट पॉसिबल बिकॉज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. तो मास यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है. इन द सेम वे एक्सेलरेशन के लिए भी देखेंगे तो दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वहाँ पे भी मास जीरो होगा, यहाँ पे मास वन है. ओके, फोर्स के लिए वी कैन सॉल्व इट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड मास के लिए केजी, द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन m1 l1 एंड t-2. एग्जैक्टली दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला. देन फोर्स विल बी द राइट ऑप्शन. द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1%. ओके, एक रेक्टेंगल है और उसकी जो साइड एरर है वो कितनी है, 1% है. ओके, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया. तो सबसे पहले हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. एंड ऑफकोर्स एरर कैलकुलेट करनी है तो हम डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे. तो एरर का फॉर्मूला क्या होगा, डेल ए बाई एल. ओके, डेल एल बाई एल एंड डेल बी बाई ई. तो हम लोगों ने सेम फॉर्मूला लिखा एरर कैलकुलेट करने के लिए. अब हमें पता है कि एक साइड की एरर कितनी है, 1% है. तो मतलब डेल एल बाई एल इज 1% एंड डेल बी बाई बी इज 1%. तो टोटल एरर कितनी हो गई, 2% हो गई. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफकोर्स हम लोगों ने समझा है ये चीज़ की जो लाइट ईयर है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, लाइट ईयर है तो वो टाइम ले लेते हैं. नो, इट्स नॉट. ईयर को देख के टाइम नहीं लेना है. बिकॉज ऑफ लाइट ईयर से हम क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन के लिए 2% एज आई कैलकुलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज दैट ऑफ. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो, नॉर्मल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, एनर्जी की यूनिट हमेशा वर्क से मैच करती है. वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों की यूनिट यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी. इवन यू कैन सॉल्व इट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट. तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर एंड सेंटीग्रेड, तो दैट इज द फंडामेंटल यूनिट. केजी मास के लिए है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है. एंड वोल्ट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार ए इज फर्दर देन स्टार बी, विच स्टार हैव द लार्ज पैरेलेक्स एंगल. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब देखो, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं. इसमें क्या बोला है कि स्टार ए ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो सबसे पहले हमने ए के बी का लिया. इफ बी इज दिस एट पॉइंट और यहाँ पे ए यहाँ पे डिस्टेंस पे है, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे लार्ज पैरेलेक्स एंगल बनेगा. ओके, बी के साथ. और जैसे जैसे हम डिस्टेंस पे जाएंगे तो जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो ऑफकोर्स बी स्टार है लार्ज पैरेलेक्स एंगल. इसको आप दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो हम एंगल का फॉर्मूला लिखते हैं, व्हाट इज द एंगल आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है, ये चीज़ हमें पता है. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है और रेडियस है, इसको हम क्या लेते हैं, एक ही लेते हैं. रीजन मैंने आप लोगों को समझाया है कि बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रेडियस एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल. तो नाउ यू कैन से कि ये वाला डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल के. तो अगर जैसे जैसे यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा. ओके, तो सेकेंड कंसेप्ट यू कैन टेक. तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो पास में है, ओके, उसका एंगल ज्यादा होगा, तो बी स्टार विल हैव लार्ज पैरेलेक्स एंगल. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी एल अंडर रूट में एल बाय जी बीइंग द लेंथ एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आपको एक फॉर्मूला गिवन है एल अंडर रूट एल बाय जी, एंड इसी का आपको क्या कैलकुलेट करना है, डायमेंशन फॉर्मूला. तो इट्स वेरी इजी, वी कैन डायरेक्टली पुट इट. लेंथ डिस्टेंस है, मीटर में होगी लेंथ है, अंडर रूट लगाया, अगेन लेंथ के लिए मीटर. फिर हम सॉल्व करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए. ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी को अगेन वी कैन राइट डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमें क्या मिल गया, मीटर अपॉन टाइम स्क्वायर. ओके, तो इसी को यहाँ पे पुट किया. इस लेंथ के लिए हमने पुट किया मीटर एंड इस एक्सेलरेशन के लिए पुट अप किया मीटर पर टाइम स्क्वायर. नाउ यू कैन सी ये डिवाइड में है, तो इसको इस तरीके से लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर टाइम स्क्वायर. मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया. ओके, अभी यहाँ पे क्या है, मीटर, और अंडर रूट में क्या हुआ, टाइम स्क्वायर. अगर इसकी ऐसा यूनिट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर अंडर रूट में सेकंड स्क्वायर. इसको सॉल्व किया, रूट हटाया, तो क्या मिलेगा हमें, सेकंड. ओके, तो मीटर सेकंड, वी विल गेट द डायमेंशन ऑफ दिस फॉर्मूला.
तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एम जीरो एल वन एंड टी वन, बिकॉज मीटर इज फॉर लेंथ एंड सेकेंड के लिए टाइम, देन एम विल बी जीरो. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड मीन परसेंटेज एरर. अगर आप ये न्यूमेरिकल के लिए वीडियोस डायरेक्टली देख रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि जो पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट है एक बार उसको भी देखिएगा. ऑफ कोर्स ये टाइप्स ऑफ एरर वाले टॉपिक के अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वाले टॉपिक में, तो वहाँ से क्या होगा ये आपको ईजिली समझ आ जाएगा. यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आपको कैलकुलेट करनी है. तो देखो, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मीन एरर निकालते हैं, जिसमें जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करके और उसके नंबर का डिवाइड करते हैं. ओके, इसके बाद आता है एब्सोल्यूट एरर. तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं. तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं कि जो मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं. तो ये क्या हो जाती है, एब्सोल्यूट एरर हो जाती है. इट जस्ट एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 कुछ आपकी ऐसे करके वैल्यूज थी, तो मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, इन सबको प्लस कर दोगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड डिवाइडेड बाय टोटल 5 वैल्यूज है. यहाँ पे अगर हम इसका टोटल करते हैं देन वी विल गेट 50 एंड 3. तो ये हमें जो मीन वैल्यू मिली 3 मिली. ओके, एंड अभी आपको क्या लिखना है, एब्सोल्यूट एरर. तो मीन वैल्यू में से हम क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू. तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पर इसको, नाउ यू कैन सी कि अगर मेजर्ड वैल्यू है जैसे कि वो 15 है, मीन वैल्यू 15 है, तो हम उसमें से 1 को माइनस करेंगे, 15 में से 2 को माइनस करेंगे और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनको माइनस करेंगे. तो नाउ यू कैन सी कि डेल ए वन क्या हो गया, मीन वैल्यू में से आपने जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उसको माइनस किया, एंड देन इसके अंदर भी ए टू एंड ए एन, तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं हम उनको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. इन द सेम वे, व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर. तो ये जितनी भी वैल्यूज है ना एब्सोल्यूट एरर, इनका हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं. डेल ए वन डेल ए टू प्लस डेल ए एन, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है और उनको उस नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं. ओके, तो व्हाट इज द रिलेटिव एरर, देन रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू. तो यहाँ से हम मीन एरर कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड परसेंटेज एरर के लिए इसी में क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो प्लीज आई विल सजेस्ट कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर का वीडियो वो देखिएगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको गिवन है ए प्लस डेल ए, बी प्लस डेल बी, ये दो मेजर वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, एंड आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करनी है ए प्लस बी के अंदर. तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, जब आप ऑफकोर्स इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिलेगी. तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो गई, डेल ए प्लस डेल बी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास एंड वेलोसिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो इन केस अगर आप काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भूल गए, नॉर्मली हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में सॉल्व किया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बट हमें नहीं याद है अभी. बट हमें क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके इसको प्रूव करना है. और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हमने इन वैल्यूज को साथ में लिखा, बट इनकी पावर क्या है, आई डोंट नो कि वो मास का स्क्वायर है, 1/2 है. इन द सेम वे बी का पावर क्या आएगा, आई डोंट नो. तो मैंने केवल यहाँ पे पावर की जगह ए एंड बी का यूज किया. ओके, इनके बाद मैं इन दोनों को साथ में लिख देती हूँ. नाउ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए एंड बी पावर में बी. नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम ए बी बी. ओके, तो देखो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए द फर्स्ट कंडीशन इज द डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. तो इसी को यूज करते हुए हम यहाँ पे सबका डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं. ओके, तो देखो काइनेटिक एनर्जी है तो सबसे पहले हम एनर्जी का डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे. ओके, तो दैट इज एम वन एल टू टू माइनस टू, ये हम लोगों ने प्रूव भी किया है. ओके, इन द सेम वे अब हम लिखते हैं मास के लिए. तो मास के लिए क्या हो जाएगा, एम वन एल जीरो एंड टी जीरो. मास के लिए केवल एम वन होता है. वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एम जीरो मीटर पर सेकेंड है तो एल वन टी माइनस वन. पावर इसकी सेम रखी ए एंड बी. अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे क्योंकि नाउ यू कैन सी कि जो मास एंड वेलोसिटी है वो मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हम इन्हें डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. यहाँ पे के कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा. यहाँ पे के कांस्टेंट की तरह लगाया है. एम वन को ए से मल्टीप्लाई किया ए, बाकी एल जीरो है टी जीरो है उसका कोई मीनिंग नहीं है. सेम यहाँ पे भी एम जीरो है, जीरो को बी से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा एंड पावर में जीरो इज वन, तो कोई मतलब नहीं है.
एल को वन से मल्टीप्लाई किया बी एंड टी को माइनस वन से माइनस बी से मल्टीप्लाई किया देन इट्स माइनस बी. अब कंपेयर करते हैं पावर को पावर में. जैसे यहाँ पे एम की पावर इधर वन है और इधर एम की पावर ए है, तो एल एच एस डायमेंशन शुड बी आर एच एस डायमेंशन. तो यहाँ पे एक इसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा. सेम यू कैन सी कि यहाँ पे जो एल की पावर है वो टू है एंड इधर एल की पावर बी है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई. नाउ यहाँ पे यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो, टी की पावर माइनस बी है एंड इधर टी की पावर माइनस टू है, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, तो अगेन बी इक्वल टू टू, तो बी का वैल्यू हमें सेम मिला. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन पे आएंगे और एम ए एंड बी की वैल्यू पुट अप कर देंगे. देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू वन है तो एम वन लगाया एंड देन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू टू है. तो नाउ वी कैन कैलकुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या मिली हमें, के एम वी स्क्वायर. अब ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि इसके साथ हम कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे के आया है. जैसे आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, बट हाफ हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, के लिखा एंड हमें क्या वैल्यू मिली, एम वी स्क्वायर आने की. तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन देखा. In the next classes, we will do the extra question. Till then, bye and please watch this video and please subscribe it all. Okay, bye all.